नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। प्रशासन हुआ मुखर। जी हां, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी को रोकने व जनपद में ऑक्सीजन की व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन हरकत में आ गया है, जिसके चलते प्रत्येक ब्लॉक से स्वीकृति एजेंसी के सिलेंडर अधिग्रहण कर तहसील प्रशासन द्वारा जिला उद्योग केंद्रों को भेजा जा रहा है, जो जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सुपुर्द कर दिए जाएंगे और वहीं से मांग के अनुसार मरीजों व अस्पतालों को ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जाएंगे। इस संबंध में तहसीलदार प्रेम सिंह चौहान ने बताया कि बाजपुर में रमा खन्ना शायद सिलेंडर एजेंसी से अभी 10 ऑक्सीजन सिलेंडर प्राप्त हुए हैं, इससे 100 सिलेंडर प्राप्त करने का लक्ष्य दिया गया। तहसीलदार प्रेम सिंह चौहान ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक तहसील की सभी एजेंसी से ऑक्सीजन सिलेंडर एकत्र करने का लक्ष्य दिया गया, जिसमें बाजपुर से 100 सिलेंडर एकत्र करने का आज अनुभव प्राप्त हुआ है, जो जिला उद्योग केंद्र को भेजे जा रहे हैं। देखें बाजपुर से मोहम्मद शाहिद की यह रिपोर्ट। निर्देश दिए गए हैं कि जो भी इनके पास हैं, जो भी एजेंसियां हैं, हमारे 30 एजेंसियां बाजपुर में ऑक्सीजन गैस वाले, 3, एक तो रमा गैस एजेंसी है, एक है खन्ना गैस एजेंसी है ऑक्सीजन गैस एजेंसी, एक है सैयद गैस एजेंसी। इनके पास जो भी खाली हों या भरे सिलेंडर हैं ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर, उनको हमें 100 सिलेंडर कलेक्ट करके उद्योग केंद्र